सो ये एक फ्लिपकार्ट अकाउंट है, आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि लिस्टिंग में जब आप जाते हैं अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का येलो कलर आइकन आता है जो कि चेक इनसाइट करके होता है। इस पर एक कर्सर रखना एक बार, हाँ चेक इनसाइट। तो ये एक एरर होता है, अगर आपको लिस्टिंग को प्रॉपर करना है, इम्प्रोवाइज करना है, तो उसके लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं अभी आ गया हूँ अपने फ्लिपकार्ट डेस्क पे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट मैनेजर आपको बताएंगे कि इसको कैसे हटाया जाता है। तो चलो शुरू करो, कैसे हटाया जाता है इसको। ये येलो आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे कि आपको एरर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इशू, ठीक है, मैंडेटरी इमेजेस आर नॉट फाउंड ऑन योर लिस्टिंग। अच्छा अब मतलब मैंडेटरी, इसमें इमेजेस में कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है हाँ इसकी इमेज में? इमेजेस में आप देखेंगे तो इसमें बैक व्यू नहीं है। ठीक आप है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बैक व्यू जो होता ठीक है, है मतलब वो एक तो मैंडेटरी होता इमेजेस है। में कोई दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा और हाँ, लिस्टिंग में हम चेक करेंगे तो किस किस टाइप के इशू हो सकते हैं? और अगर आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ और क्या क्या इशू आपको आ सकते हैं। जैसे अब हम दूसरा लिस्टिंग्स ओपन कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि लिखा है कलर मिसमैच विद रिस्पेक्टेड इमेजेस। मतलब कभी इसको कभी, इम्प्रूव करना है, ठीक हाँ है, और इस, अगर एक बार कर दिया इसको चेक, फिर उसके बाद क्या करना है? अगर इसको आपने सपोज सही कर दिया उसके बाद आप सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ये हमने करेक्ट डाला हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से ये हो जाता है, ठीक है, तो तो हम उसके बाद इसको, मतलब चेंज करके इसको क्यूसी में डाल देना, कितने हाँ टाइम में होगा? आपका जो हो जाएगा ये 1 से 2